वैसे तो इस गेम के पास काफी सारे व्हीकल्स हैं, बट इस एटीवी को चलाने में अलग ही मजा है। ये एटीवी इतनी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा कैपेबल है कि ये किसी भी रास्ते से इजीली निकल जाती है, और मैं इसे हर जगह लेके गया हूँ। मैंने इसे आधे पानी में भी ले गया और वहां से भी ये निकल गई, मतलब कोने कोने में जहां पे अपने ट्रैक्टर पानी में फंस जाते हैं वहां पे भी ये नहीं फंसी। तो अभी इसकी पावर को चेक करने के लिए मैं शॉप पे लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे शॉप पे आना ही था और शॉप पे मुझे ये हार्वेस्टर और ये ट्रॉली परचेस करनी थी शुगर केन को हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये शुगर केन का हार्वेस्टर है और ये पीछे ट्रॉली है जिसमें शुगर केन हार्वेस्ट होकर यहाँ पे स्टोर होगा। तो वेलकम है फार्मिंग सिमुलेटर की एक और नई वीडियो में, और अभी इस हार्वेस्टर को लेके इस वाली गाड़ी से चलते हैं सीधा खेत में। तो इसे मैं सीधा शुगर केन के खेत में जाने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं ट्राई करने के लिए इस गाड़ी के यहाँ लेके आया था वो चीज़ अभी ट्राई करनी है, और इससे मैं सीधा शुगर केन हार्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ इस वाली गाड़ी से। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रैक्टर ना यूज़ करके ये वाली गाड़ी यूज़ करूँ और इस वाली गाड़ी से शुगर केन हार्वेस्ट करके देखूँ। और इस गाड़ी से ट्राई करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो और मैंने गाड़ियाँ परचेज़ की है उनमें से भी कुछ को आज ट्राई कर लेंगे कि वो शुगर केन हार्वेस्ट कर पाती है या नहीं कर पाती। तो शुगर केन का खेत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अपने पास काफ़ी सारा टाइम है। बाकी मैंने अभी तक इस गाड़ी के इंटीरियर नहीं दिखाए थे, तो इस गाड़ी के इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। इस गाड़ी के इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये मेनली एटीवी है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और ये कहीं भी चली जाती है। मैंने खुद ट्राई किया है, अभी तक तो ये कहीं फंसी नहीं आई। ऐसी ऐसी जगहों पर भी चलेगी जहाँ पर मेरे ट्रैक्टर वगैरह फंस जाते थे। तो अभी भी यहाँ से ट्रेन गई है और ट्रेन तो निकल गई, जो फाटक ओपन हो गया। बट ये देखना है कि ये अपना हार्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है, ये ऊपर वायर्स में टच होगा, और वायर्स में टच हो गया है फंस ना जाए ये। नहीं, वायर्स में टच तो हुआ बट निकल गया, मेरे को लगा फंस जाएगा वायर्स में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ऊंचा है कहीं फंस तो सकता ही है, क्योंकि ट्रीज़ की हाइट के बराबर जा रहा है कुछ जगह। तो अपनी गाड़ी कहाँ खो गई है, मैं खेत के बीच में से लिया है इसको। ये शुगर केन काफ़ी ज़्यादा ऊँची हो गई है, मतलब ये शायद 8-9 फीट ऊँचे तो होंगे आराम से, उससे भी ज़्यादा ही लग रहे हैं मेरे को, और ये काफ़ी ज़्यादा ऊँचे हो जाते हैं वैसे। बस ठीक है, यहाँ तक मैं गाड़ी को तो ले आया, अब यहाँ पे देखता हूँ वर्कर असाइन होता नहीं होता। वैसे तो वर्कर असाइन हो जाना चाहिए, तो ठीक है वर्कर असाइन हो गया और ये इसको हार्वेस्ट कर रहा है, और बाकी यहाँ देखते हैं हम आराम से। तो थोड़ा पास से ही देखता हूँ ये, और ये गाड़ी तो अंदर ही इसके बिल्कुल चली गई है, बट ये हार्वेस्ट कर पा रही है, मेन बात ये है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बड़े वाला ट्रैक्टर मुझे चाहिए होगा इस वाले हार्वेस्टर के लिए, बट इस छोटी गाड़ी से ही काम चल गया। ये गाड़ी वैसे छोटी है बट इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ठीक है, यहाँ तो ये हार्वेस्ट कर रहा है, एक बार मैं जाके अपना ट्रैक्टर और बड़े वाली ट्रॉली ले आऊँ, क्योंकि ये जो पीछे हार्वेस्ट हो रहा है शुगर केन, ये मुझे ट्रॉली में यहाँ से अनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली ट्रॉली तो बहुत छोटी है, ये तो भर जाएगी। तो एक बार बड़े वाली ट्रॉली यहाँ पर ले आता हूँ। तो खड़ी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर, और सामने अपनी पुरानी वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुरानी नहीं मतलब वो भी नई हैं पर वो कुछ टाइम पहले ली थी, और ये वाली यहाँ पर नई गाड़ी खड़ी हुई, और ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और वैसे ये अपनी छोटे वाली एटीवी है, इसमें भी पीछे ट्रेलर अटैच करने के लिए हुक दिख रहा है मेरे को, तो इसको ट्राई करूँ एक बार इसको ट्राई कर लेता हूँ कि बड़े वाली ट्रॉली को ले जा पाएगा या ले जा पाएगा। ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है आगे से उठ जाए और ना चल पाए। बट ट्रॉली वहाँ पे सामने खड़ी हुई है अपनी ग्रेन मिल के पास, एक बार इसे भी अटैच कर ही लेता हूँ उससे, तो इसकी भी टेस्टिंग हो ही जाएगी। और इस वाली एटीवी की टॉप स्पीड 151 है, मतलब ये भी काफ़ी तेज़ चल लेती है, बट इसका इंजन तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब कम पावर का लगता है। अब ये यहाँ ट्राई कर लेते हैं, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, अपनी ट्रॉली यहाँ खड़ी हुई है तो इसको अटैच करने की ऑप्शन, अटैच करने की ऑप्शन तो आ गई, बट ये क्या चलेगी, इसके पीछे वाले टायर तो हवा में उड़ गए हैं अटैच होते ही। तो इस साइड से भी ये वाला टायर भी हवा में है और ये वाला टायर भी हवा में है, बट ये 4x4 है, इसके आगे वाले टायर्स में भी पावर होती है, तो ट्राई करते हैं, चल जानी चाहिए। चल गया, इसने खींच लिया इसको, ये मजाक चल रहा है क्या, इतनी बड़ी ट्रॉली और ये इतनी छोटी, पर ये हिल क्यों रहा है ऐसे, ओ भाई क्या हो गया इसको। तो ये एटीवी इसको सीधा सीधा तो आराम से खींच पा रही है, बट ये मुड़ पाएगी, अगर मुड़ पाएगी तो काम बनेगा, अगर नहीं मुड़ पाएगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो उसको खींच पा रही है, तो कुछ तो उसका काम मैं बाद में ले सकता हूँ, मतलब इन केस ये ट्रॉली अगर कहीं फंस गई तो मैं बाद में एटीवी का यूज़ करके इसको वहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इतनी टेस्टिंग ठीक है, इसने थोड़ा बहुत खींच लिया, बाकी इससे ज़्यादा नहीं इसको खींचता, क्योंकि ये एटीवी कुछ अलग तरीके से हिल रही है, कहीं ये ख़राब वराब ना हो जाए, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, दूसरा ढंग का ट्रैक्टर ले आता हूँ मैं, अपनी एटीवी को यहीं कहीं पार्क कर दूँ, इधर यहाँ पर पार्क कर दूँगा, बाद में इसको ले लेंगे यहाँ से। तो मैंने जोड़ने वाला ट्रैक्टर ले लिया, ये वाला ठीक है, ये वाला इसको पुल कर लेगा ईजिली, ये तो उसको इजीली पुल कर पाएगा। ये ट्रॉली में इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है, बस का साइज ही बड़ा है, वेट जो उसमें मेनली होगा वो पीछे लोड करने के बाद होगा, जब उसमें पीछे कुछ भी चीज़ लोड कर लेंगे, जैसे मैं शुगर केन लोड कर लूँगा उसके बाद वेट होगा, अभी तो कोई वेट ही नहीं है, अभी तो कोई भी ट्रैक्टर इसको ईजिली खींच पाएगा। तो इस ट्रॉली की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये ट्रैक्टर खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा। वैसे तो अपने जॉन डीयर वाला ट्रैक्टर भी मीडियम साइज़ का है, इसमें भी काफ़ी पावर है, बट देख लेंगे उसके बाद। वैसे तो ज़्यादा दूर है नहीं, बस रेलवे लाइन क्रॉस करके इस साइड ही लेके आना है, शुगर मिल तक लेके आना है, और शुगर मिल में डालना है गन्ने को। अभी देख भी लेता हूँ कि अपना हार्वेस्टर चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है हार्वेस्टर नहीं चल रहा, वो सामने दिख रहा है वहाँ पे पार्क हो रखा है,
तो वो एक मिनट पहले इसको यहाँ छोड़ दूँ, पता चला वहाँ हार्वेस्टर नहीं चल रहा, गाड़ी फंसी हुई है, ये भी वहाँ जाके फंस जाए साइड में, और यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है ही हार्वेस्ट, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये गाड़ी इसने यहाँ फंसा दिया है पेड़ों के बीच। अबे इधर कर क्या रहा था, खेत सीधा था वहाँ से निकाल लेता, और फंसा के भाग भी गया वर्कर, यहाँ पे है भी नहीं। और ये इजीली निकल गए क्योंकि ये गाड़ी नहीं फंसने वाली, मैंने कहा नहीं कहीं से भी निकल जाएगी। तो वैसे भी इस गाड़ी की काफ़ी टेस्टिंग हो चुकी है, अब इसको यहाँ से डिटैच कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर ट्रैक्टर ले आता हूँ क्योंकि खेत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ऐसे ही इससे मैं ट्राई करने के चक्कर में तो फिर ये शुगर केन हार्वेस्ट नहीं होने वाले आज, तो ये काम रह ही जाएगा। तो डिटैच करके और इधर खेत से ही निकालता हूँ सीधा सीधा इसको, और ये तो खेत में दिख भी नहीं रही है, और यहाँ बस निकल गई। तो अभी इसको अंदर पार्क करके आता हूँ और वहाँ से प्रॉपर ट्रैक्टर लेके आता हूँ क्योंकि शुगर केन हार्वेस्ट भी करनी है। बस ठीक है, यहीं पे पार्क कर देते हैं, और ट्रैक्टर जो है बड़े वाला ले लेते हैं, सामने पार्क हो रखा है तो वो वाला ट्रैक्टर ठीक है, उसमें जो है टायर भी ज़्यादा है और ग्रिप भी सही रहेगी, और हार्वेस्टर वैसे वो बड़ा है, वो काफ़ी पावरफुल है, उसके लिए अच्छा खासा ट्रैक्टर चाहिए होता है। वो तो अपनी एटी की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी कि जो हार्वेस्टर को शुगर केन के फील्ड तक ले आई और शुगर केन हार्वेस्ट भी कर ली, बट ये कि उसका साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो हार्वेस्टर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है पीछे से, इसलिए ट्रैक्टर यूज़ करते हैं और प्रॉपर उसे हार्वेस्ट करते हैं। एक तो ये गन्ने जो है इतने बड़े हो चुके हैं कि कुछ दिख नहीं रहा है, और ऊपर से हार्वेस्टर की पोजीशन ऐसी जगह वो डिटैच हुआ है कि वहाँ पे बड़े वाले ट्रैक्टर पहुँच ही नहीं पा रहा, मतलब दोनों साइड ये वाले ट्रीज आ रहे हैं। अब ये अंदर से मेरे को व्यू देख के इसको थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ पे अटैच हो जाए, अब यहाँ पे थोड़ा सा तो मेरे को लग रहा है कि अटैच की ऑप्शन आ जाएगी, हल्का सा रह गया, ये दोनों साइड जो है यहाँ पे ट्री आ रहे हैं, इन ट्री की वजह से नहीं हो पा रहा, अब तो अटैच हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हो रहा, तो ये ऐसे तो अटैच नहीं होने वाला, मेरे को ये ट्री काटना पड़ेगा, तो ये वाले ट्री को यहाँ से काटूंगा तो ये ट्रैक्टर यहाँ पे आ सकता है, तो इस वाले ट्री को काट देते हैं, कोई बात नहीं, छोटा ट्री है अभी तो। और छोटा करना पड़ेगा, उसी पे क्यों गिरे जा रहा है, इसको हटाना भी तो पड़ेगा यहाँ से, चलो तो काट दिया है तो ट्री, अब थोड़ा ट्रैक्टर से धक्का मारूंगा तो हट जाएगा, नहीं तो साफ हो ही गया पूरा का पूरा, अब तो अटैच हो जाना चाहिए, हाँ अब हो गया अटैच, अब ठीक है। और ये इसने खेत कैसे हार्वेस्ट किया है, मैं एक बार पीछे शुरू से लेके जाता हूँ और वहाँ से सही तरीके से लगाता हूँ उसको, वर्कर को मैं कोने कोने में छोड़ रखा है, वहाँ से सही से हार्वेस्ट नहीं कर रहा, तो इसको थोड़ा सा खेत के बाहर चलाना पड़ता है ट्रैक्टर को, और जब जाके हार्वेस्टर यहाँ से सही तरीके से स्टार्ट करेगा, अब बस वर्कर हायर कर देते हैं, तो अब ये जो थोड़ा सा इधर गन्ना बच गया था ये भी हार्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, हाँ अब सही तरीके से हार्वेस्ट हो रहा है, तो अब तो वर्कर असाइन कर दिया, ये सारा हार्वेस्ट हो जाएगा, मुझे बस ट्रॉली का देखना है कि जैसे पीछे ट्रॉली भर जाए अपनी बड़े वाली ट्रॉली ला के इसको खाली कर लेंगे, और अभी 7,000 लीटर तो आ ही चुका है, 20,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है, सही है यहाँ पे तो बिल्कुल सही तरीके से हार्वेस्ट हो रहा है, पर इसे हार्वेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और अभी इसे काफ़ी सारा गन्ना निकलेगा तो अपने काफ़ी लंबे टाइम तक शुगर मिल चलती रहेगी, तो रॉ मटेरियल काफ़ी सारा हो जाएगा, उसकी कमी नहीं पड़ेगी। और ये खेत कितना बड़ा है, मैं यहाँ से कहाँ तक दौड़ के जा रहा हूँ, मैं रॉन्ग साइड तो दौड़ के नहीं जा रहा, ये हो क्या रहा है, नहीं मैं ठीक, हाँ ठीक साइड ही है, रॉन्ग साइड नहीं है, इधर मेरे को ग्रीन हाउस चढ़ाना था, ये वाला ट्रैक्टर मैंने यहाँ पार्क कर रखा था ना, और इतने वो ट्रॉली फुल होती है, इतने मैं अपना बड़े वाला टैंकर ला के इन वाले ग्रीन हाउस से पानी डालता हूँ, क्योंकि सारे के सारे बंद पड़े हुए, सब अंदर से बंद है, किसी में पानी नहीं है, और ये मैंने लगाए थे यहाँ पे रिवर के पास, और तब भी मैंने पानी नहीं डाल पा रहा क्योंकि अभी और कामों में लगा हुआ था, वैसे कमेंट आई थी कि मैं अगर ग्रीन हाउसेस को यहाँ पानी के अंदर प्लेस कर पाऊँ तो इजी रहेगा कि यहाँ से पानी लेते रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता, मैंने ट्राई किया था, मैंने लास्ट टाइम जब ग्रीन हाउस यहाँ पे लगा के ट्राई किया था इस साइड को, तो ये पानी ऑटोमेटिकली पिक नहीं कर रहे थे, पानी इनमें मैनुअली ही डालना पड़ता है, ये वाले बिल्कुल रिवर के पास है तो इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस टैंकर से यहाँ से पानी लेना है और यहाँ पर दे देना है, तो मैं बड़े वाला टैंकर ले आया हूँ, अब बस इसको सामने लेके जाना है, और एक मिनट लगेगी मुश्किल से, मतलब सबसे कम टाइम लगता है ग्रीन हाउस को पानी देने में, और वही काम मैं इस वाले गेम में सबसे कम करता हूँ, तो मेरे को उसका नॉर्मली ध्यान ही रहता कि यहाँ से पानी लेके इन वाले ग्रीन हाउसेस में डालना है, क्योंकि मैं इन वाले ग्रीन हाउसेस को ऑलमोस्ट भूला बैठा था, अपने जो दूसरे वाले ग्रीन हाउसेस है वो तो मुझे याद थे, और वैसे ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट वाली चीज़ है यहाँ पे वो है ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस में कुछ नहीं करना, बस पानी देना, और पानी से टमाटो लेटस और स्ट्रॉबेरी जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं, और उनका जो है कुछ भी यूज़ करके या सेल करके प्रॉफिट आता रहता है,
बस ठीक है, यहाँ पे पानी भरने देते हैं टैंकर में, एक बार टैंकर फुल हो जाएगा, 32,000 लीटर कैपेसिटी है, सारे ग्रीन हाउसेस में थोड़ा थोड़ा पानी चला जाएगा और उस टैंकर को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इन वाले ग्रीन हाउसेस में और पानी देना है। और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जो बाकी ग्रीन हाउस है उन्हें वहाँ से हटा दूँ, वहाँ पे कुछ और लगा लूँ, और जो ग्रीन हाउस यहाँ पे और लग सकते हैं थोड़े से इस खेत के साइड में और लगा लूँ, मतलब यहाँ लेफ्ट साइड में भी जगह है, यहाँ भी लग सकते हैं इस वाले घर के सामने। तो देखते हैं, वहाँ से सारों को हटाऊंगा मैं और सारे ग्रीन हाउसेस यहीं पे लेके आऊँगा। ठीक है, फुल हो गया, 32,000 लीटर पानी आ गया। तो थोड़ा थोड़ा पानी सारे ग्रीन हाउसेस को सप्लाई कर देते हैं, ये 8 है यहाँ पे, तो 4,000 लीटर में सप्लाई कर देता हूँ सारे ग्रीन हाउसेस को। तो सारे ग्रीन हाउसेस अभी स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बाद में पानी तो डाल ही देंगे, एक बार स्टार्ट होने के बाद तो पानी में सप्लाई करता रहूँगा। तो यहाँ तक तो 7वें नंबर तक तो डल गया, 8वें नंबर वाले के पास थोड़ा सा एक्सेस का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, रिवर्स करके लाना पड़ेगा यहाँ पे टैंकर को, और इस वाले टैंकर को रिवर्स करना भी इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टफ काम है इसको रिवर्स करना। तो ये टैंकर जो है इस ट्रैक्टर से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें बीच में डोली लगी हुई है, ये ट्रैक्टर खुद दो पार्टों में मूव करता है। तो जैसे ही मैं इसको मूव किया तो ये ट्रैक्टर दो पार्ट में है, ये भी पूरा मूव कर जाता है, ऊपर से डोली मूव करती है, पीछे से टैंकर मूव करता है, तो उसको रिवर्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा चलाना पड़ता है इसको, तब जाके ये रिवर्स होता है। तो रिवर्स तो नहीं हो पाया, मैं थोड़ा सा इसको घुमा के लेके आया, और इधर वाटर डालने की ऑप्शन आ गई, तो इसको भी सप्लाई कर देता है पानी। तो इस वाले ग्रीन हाउस में भी पानी सप्लाई हो गया, अब बस इसको थोड़ा सा यहाँ ट्रैक्टर को हटा के एक्टिवेट कर दूँ ग्रीन हाउसेस को सारे, वैसे तो सारे एक्टिवेट ही हैं, ये एक दो जो एक्टिवेट नहीं है इनको एक्टिवेट कर देते हैं, बट ये ट्रैक्टर यहाँ फंसेगा क्या, ये फंसने वाला तो है नहीं ट्रैक्टर, ये तो ईजिली निकल जाता है, बस ये थोड़ा सा यहाँ टच हो रहा है इस पर, नहीं इसका जो है टायर यहाँ पर अड़ रहा है, इस ट्रैक्टर का मुझे भरोसा है ये फंसेगा नहीं, क्योंकि अब तक ये कहीं नहीं फंसा है, इसके टायर इतने बड़े, ऊपर से इसका इंजन सबसे पावरफुल, ये अपना सबसे बड़े वाला ट्रैक्टर है। अब बस ग्रीन हाउस में यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ इस वाले ग्रीन हाउस को, पानी आ गया इसमें, हाँ पानी आ गया, 2845 लीटर पानी इसके अंदर आ गया है। तो टोमेटो लेटस स्ट्रॉबेरी सारे के सारे एक्टिवेट करते हैं, और सारे के सारे स्टोरिंग पे नहीं सेलिंग मोड पे रह देते हैं, तो डायरेक्ट सेल करते हैं, स्टोर करके फ़ायदा क्या। तो स्टोर करने पे क्या होगा, मेरे को उनको फालतू में उठा के ले जाना पड़ेगा, अपनी सुपरमार्केट में सेल करना पड़ेगा, या फिर कोई यूज़ में लेना है तो वहाँ ले जाना पड़ेगा। बाकी ये स्टार्ट कर दिया है, और इधर ये तो रेडी हो गए हैं, और इस साथ वाला इसमें पानी नहीं आ पाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी नहीं आ पाया, इसका रह गया, और इधर के सारे स्टार्ट हो गए। तो इस वाले ग्रीन हाउस का मैं गेट बंद कर दूँ, क्योंकि ग्रीन हाउस का अगर गेट खुला रहेगा तो फिर ग्रीन हाउस का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ग्रीन हाउस को पूरा पैक रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो प्रॉपरली काम करता है। तो इधर हार्वेस्टर को देख लेते हैं, हार्वेस्टर शायद फुल हो गया होगा, कहाँ पे है, वहाँ पे सामने है, हाँ फुल हो गया ये, तो वो फुल हो गया है, ये वाली ट्रॉली ले चलते हैं जरा, उसमें से इसमें अनलोड कर लेते हैं। तो अभी तो मेरे को देखना भी है ये अनलोड कैसे होगा, ये तो डायरेक्ट इसने पाइप आउट कर दिया, अरे ये नहीं करना मेरे को, पाइप आउट नहीं करना था, ये वर्कर नहीं कर पाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो है क्या कर रही है, ये हार्वेस्टर का पाइप आउट कर रही है, और पाइप आउट करने के टाइम मुझे जो है इसके साथ साथ ट्रॉली चलानी पड़ेगी, तो हार्वेस्टर यहाँ पे हार्वेस्ट करता रहेगा और ट्रॉली मारता रहेगा, बट मेरे को ऐसा नहीं करना, जो मैंने पीछे स्टोरेज के लिए ट्रॉली लगा रखी है मेरे को उसमें से चाहिए, तो उसको मुझे मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसको हटा के एक बार पहले थोड़ा सा पीछे लेके आऊँ इसको, अब बस इस वाली ट्रॉली को हाइड्रोलिक से लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करके इस वाली ट्रॉली को मैं इसमें अनलोड कर दूंगा। बट इसकी अनलोड करने की ऑप्शन तो लेफ्ट साइड आ रही है, और मैं इसको राइट साइड ले आया दूसरे वाले ट्रैक्टर को, एक मिनट, दूसरी वाली ट्रॉली को लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा। एक तो इतना टफ है इतने बड़े गन्ने के खेत में ट्रैक्टर को चलाना, अंदर से तो कुछ विजिबल है ही नहीं, बाहर से ही चलाना पड़ रहा है, और बाहर से भी ट्रैक्टर गायब हो जाता है क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा है गन्नों की इनकी, ये ऐसे हो ही नहीं पाएगा, ये तरीका ही गलत है, इस तरीके से फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं बाहर लेके चलता हूँ, बाहर ही हो पाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने शुगर कैन अनलोड किए हैं वो उस ट्रॉली में नहीं आए, साइड में खेत में गिर गए। तो अब ठीक है, वो ट्रॉली वहाँ पार्क कर दी, इस वाले ट्रैक्टर को भी बाहर जाता हूँ, बाहर जाके खुले में आराम से अनलोड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ खेत में दिख ही नहीं रहा है, और हिरन यहाँ पे भी घूमते घूमते आ गए, ये सारे में ही घूमते रहते हैं।
और ये शुगर केन का काम यहाँ पे तो मशीन से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। वैसे ही मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा है, बाकी जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन मशीन्स का और इक्विपमेंट का भी नहीं पता था, तो मेरे को समझ में आ गया कि बाहर जाके ईजी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो विजिबिलिटी की हो रही है खेत के अंदर। अब ये यहाँ पे फटाफट से काम हो जाएगा, और ये ट्रॉली लेफ्ट साइड अनलोड होती है तो मेरे को इसको राइट साइड रखना है। तो यहाँ पे ठीक है, अब तो ये सही से पार्क हुई है और अब ये इजीली इसमें हो जाएगा। हाँ, अब ट्रॉली में ही आ रहा है सारा का सारा, तो ये तरीका ठीक है बाहर ट्रॉली को बड़े वाली को पार्क करना है, और अंदर से जितना भी शुगर कैन हार्वेस्ट होगा उसको बाहर लेके आना है और बाहर लाके यहाँ इस वाली ट्रॉली में अनलोड करना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बट अब समझ में आ गया। तो यहाँ वर्कर असाइन कर दिया है, ये इसको सही से हार्वेस्ट कर लेगा, और जैसी पीछे वाली ट्रॉली फुल होएगी मैं इसको अब उसी तरीके से जाके अनलोड कर दूंगा और फटाफट से काम हो जाएगा, अब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो इस वर्कर को तो मैं काम कर देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा पीछे ट्रॉली को भरने में। तो इतने मैं अपने एनिमल्स को देख लेता हूँ, क्योंकि हॉर्सेस का खाना खत्म है, काउ का तो खाने का मैंने इंतजाम कर दिया है, और बाकी पिग्स को खाना डालना है और हॉर्सेस को खाना डालना है, और शायद अपने चिकन कूप के अंदर भी खाना खत्म हो गया तो वहाँ पर भी खाना डालना है। तो ये रहे अपने हॉर्सेस, इनका खाना खत्म है, 0 लीटर शो कर रहा है, और शायद अपने चिकन कूप के अंदर भी खत्म हो गया है। यहाँ पे भी देख ही लेते हैं, चिकन कूप में भी खाना खत्म है, और इनके तो यहाँ पे काफ़ी सारे एग्स भी ये रखे हुए हैं, ये मैं उठा के नहीं ले गया अभी। तो चिकन कूप में भी खाना डालना है और हॉर्स बार में भी खाना डालना है, और बाकी सामने ये काऊ बार के पास क्या आ गया, ये तो मैंने कुछ रखा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे कैसे आ गई, ये फीडिंग रोबोट है TMR बनाने वाला, मेरे को तो वही लग रहा है। हाँ, ये तो यहाँ पे रखा हुआ था और ये यहाँ से बाहर निकल के यहाँ कैसे पहुँच गया, और ये तो मैं उठा भी नहीं सकता इसको, और इसके अंदर तो ये अपना TMR बन रहा है बट ये यहाँ पे कैसे शो कर रहा है, ये तो यहाँ पे था, ये क्या ग्लिच विलिच है शायद गेम में ना, तो मेरे को तो ग्लिच ही लग रही है, ये अंदर होना चाहिए था, ये बाहर यहाँ पे आ गया। कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे, शायद ये अभी जब रिस्टार्ट होगा गेम उसके बाद अंदर शो हो जाएगा। अपनी काउस ने मिल्क कितना दिया वो भी देख लेते हैं, काउस ने भी 11,800 लीटर मिल्क दे रखा है, 32,000 हो जाएगा तब यहाँ से अनलोड करेंगे और वहाँ पे सप्लाई कर देंगे डेयरी के अंदर। प्रोडक्टिविटी अपनी काउस की काफ़ी बढ़िया है, हेल्थ 100% पे है, प्रोडक्टिविटी 91% पे है, और स्लरी भर रखी है। अब स्लरी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में बायोगैस प्लांट लगा दूँ, बायोगैस प्लांट से जो है बिजली जनरेट होती है, तो काऊ बार में जो स्लरी बन रही है वो काम में आ जाएगी। ऐसे तो वो स्लरी का कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आने वाला, क्योंकि पहले ही 10,000 लीटर अपने टैंकर में स्लरी वाले में भरी रखी है, वो कितनी मैं खेतों में स्प्रेड कर लूँ वो इतनी ज़्यादा लगती ही नहीं है, मतलब एक टैंकर में अपने सारे खेतों में पूरा स्लरी स्प्रेड हो जाएगी, उसके बाद ही बच जाएगा, तो ये सारा का सारा फालतू का ही है, तो उसके लिए बायोमास प्लांट ही लगाना पड़ेगा तब ये यूज़ में आएगी। बाकी एक बार मैं छोटे वाले ट्रोले देख लेता हूँ कहाँ पर है, क्योंकि हॉर्सेस को भी खाना डालना है। शोरगुम अपने पास स्टॉक में शायद थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, नहीं शोरगुम खत्म हो गया, शोरगुम मैंने लास्ट टाइम डाल दी थी, अभी मिल्क है सिर्फ और वीट वगैरह सब खत्म है, और इधर स्लरी 1,22,000 है। तो बायोगैस प्लांट ये तो मैं सप्लाई नहीं करूँगा, मैं अपना ही खुद का बायोगैस प्लांट लगाऊंगा, उसमें इसको यूज़ करेंगे। बाकी वीट स्टोरेज में इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि जितना ये वीट लास्ट टाइम हार्वेस्ट किया था वो सारा का सारा मैंने जो है ग्रेन मिल सप्लाई कर दिया, तो ग्रेन मिल में सारा का सारा यूज़ में आ रहा है। तो अब हॉर्सेस का और चिकन का खाना तो मुझे बाहर से लेके आना पड़ेगा और बाहर से परचेज करना पड़ेगा, तो छोटे वाले ट्रोले लेके चलते हैं एक बार और बाहर से परचेज करके लेके आता हूँ, पहले हॉर्सेस के लिए ले आता हूँ, ये जो अपनी छोटे वाले ट्रोली इसको लेके चलते हैं। और बाकी जो है काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि फार्म को बड़ा करने के लिए, मतलब फार्म का साइज़ और बनाने के लिए, तो उसके लिए तो सोचा है मैंने कि जो अपना अंदर वाला खेत है, मतलब जो डेयरी के पास एक खेत है जिसमें मैंने अभी लास्ट टाइम वीट की फार्मिंग की थी, तो मैं इस टाइम उसमें कोई फार्मिंग ही नहीं करने वाला और वहाँ पर भी मैं जो है फार्म को बड़ा बनाने वाला हूँ, तो अपना बड़े वाला फार्म भी मैं जल्दी तैयार करूँगा, और मैं दिखा भी देता हूँ कि मैं कितना एरिया बड़ा करने की सोच रहा हूँ अपने वाले फार्म की। पहले तो इस ट्रैक्टर को यहाँ पार्क कर दूँ, तो अभी ये ऊपर से अपने पूरे फार्म का व्यू है, अपना फार्म यहाँ से शुरू होकर पूरा वहाँ तक जाता है और वहाँ से लेके यहाँ तक आता है। तो ये वाला खेत है, मैंने इसे लास्ट टाइम वीट लगाया था और यहाँ पे मैंने ग्रेप्स लगा रखे हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं ग्रेप्स हटा दूँ और यहाँ से ये इस वाले खेत को भी हटा दूँ और अपने पूरे फार्म की बाउंड्री यहाँ से करते हुए पूरा यहाँ तक लेके आऊँ, और यहाँ पे भी जो है और जो चीज़ें प्रोडक्शन की हैं वो लगाऊँ, और या फिर यहाँ पे अपनी गाड़ियों के लिए गैराज वगैरह और बना दूँ, क्योंकि अब गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी हैं, एक तो ये छोटा गैराज है और एक ये बड़ा वाला गैराज है, और ऐसे 3-4 और तरह के गैराज आते हैं जो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, और यहाँ पे घास वगैरह लगा के ट्रीज वगैरह लगा के यहाँ पे भी सही से अपने फार्म को डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी ये फार्म भी जल्दी ही मैं रेडी करूँगा और 1-2 दिन में इसकी भी जो है जल्दी वीडियो आएगी बड़े वाले फार्म की। तो अभी यहाँ पे जो है पहले मैं हॉर्सेस के लिए फूड ले लूँ और इसमें फूड ले चले हॉर्सेस के लिए, तो हॉर्सेस के लिए यहाँ पे ये ओट वाला फूड मिल रहा है और ये कितना मेरे को 8 बॉक्स लेने पड़ेंगे अपनी पूरी ट्रॉली को फुल करने के लिए, तो ठीक है ये तो 11,200 यूरो के आए हैं, ये यहाँ पे 8 आ गए हैं बॉक्स ये वाले,
बस ट्रॉली को उनके साथ ले जाना है और ट्रॉली में सारे फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मेनली ओट है जो हॉर्स के फूड की तरह यहाँ बिक रहा है, इसको मैं खेत में भी ग्रो कर सकता हूँ। और अभी क्या सोच रहा हूँ कि जब अंदर वाला फार्म बड़ा वाला बन जाएगा उसके बाद जो बाहर के बड़े बड़े खेत लेंगे उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है फसल लगाएंगे, मतलब जैसे शोरगुम चाहिए तो शोरगुम लगाएंगे, ओट चाहिए तो ओट लगाएंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि बड़े बड़े खेतों में एक बार में पूरी एक जैसी फसल लगाई, मतलब ओट लगाया या शोरगुम लगाया और उसको सारे के सारे को एक बार हार्वेस्ट करके अपने साइलोस में रख लिया, उसके बाद अपने यूज़ के हिसाब से यूज़ करते रहे और वहाँ पर सीजन के हिसाब से दूसरी फसल लगा दी। बाकी ये पूरा फुल हो गया, बस ये यहाँ पे अनलोड करते हैं ट्रॉली को। बस इसको अब आगे कर देते हैं और अभी एक बार जाके मैं फिर से चिकन्स के लिए फीड ले आता हूँ। तो मैं चिकन्स के लिए भी पूरी एक ट्रॉली भर के चिकन फीड ले आया हूँ। और जो चिकन फीड क्या क्या शॉप पे बिकता है ये मेनली क्या होता है, किस किस को पता है नीचे कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता है तो मैं बाद में बताऊंगा कि ये वहाँ पे चिकन फीड कह के बिकता है और मैं पास से दिखा देता हूँ। तो ज़्यादातर तो समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, पर एक कमेंट करके बताना तो पता चलेगा कि कितने लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है। वैसे तो 8,000 लीटर है बट अपने चिकन कूप की कैपेसिटी 10,000 लीटर फूड स्टोर करने की है, तो 80% फुल हो जाएगा और काफ़ी टाइम चल जाता है। 80% में तो अपने चिकन जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जो है चला लेते हैं काम, क्योंकि इनके खाने की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है और 8,000 लीटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पूरा खाली कर दिया, इस ट्रैक्टर को यहीं छोड़ता हूँ क्योंकि इस छोटे वाली ट्रॉली का ऐसा कोई यूज़ नहीं है अपने पास बड़े वाली ट्रॉली है सामान ले जाने के लिए। ये तो खाली यहाँ फीड वगैरह डालने के लिए मैंने रखी हुई है। एक बार वहाँ पे शुगर केन के खेत पे देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। और मैं यहाँ से एक घोड़ा ले चलता हूँ, थोड़ी इसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी क्योंकि घोड़ों को आज मैंने जो है थोड़ा ट्रेन नहीं किया है। तो अभी अपना कौन से वाला घोड़ा लेके चले, और ये सारे घोड़े गंदे हो रहे हैं क्या? हाँ ये गंदे हो रहे हैं, इनमें मिट्टी लग रही है, इनको रोज़ साफ़ करता हूँ फिर भी जो है गंदे जाते हैं। ये साफ़ हो गया, इसको क्या हालत है, इसकी तो साफ़ दिख रहा है, यहाँ से मिट्टी लग रही है इसके ऊपर। वह रुक जा साफ़ करने दे, एक जगह खड़ा हो जा यार। और अपना ये वाला घोड़ा, इसको भी साफ़ कर देते हैं, इसी को ले चलता हूँ आज क्योंकि इसकी ट्रेनिंग अभी नहीं हुई है, इसको एक बार सही से ट्रेनिंग कराते हैं। और घोड़े का नाम है इसका लक्की, तो वैसे सही है, इन घोड़ों को तो काफ़ी सही सही नाम दे रखा है, बाकी इनकी ट्रेनिंग करानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेनिंग कराते हैं तभी इनकी वैल्यू बढ़ती है। तो भी इस घोड़े की ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम इसकी ट्रेनिंग हो रही है, तो इसका यहाँ तक आने तक ही सांस फूल गया है, यहाँ तक ही इतनी तेज़ सांस लेने लग गया। कहाँ है हार्वेस्टर, वहाँ सामने खड़ा हुआ है, हार्वेस्टर फिर से फुल हो गया। घोड़े को थोड़ा यहाँ छोड़ देता हूँ, ये यह यहाँ घूम लेगा, एक बार उस हार्वेस्टर को यहाँ पर ले आता हूँ, इसमें अनलोड करते हैं और अब की बार जो है टेस्टिंग भी हो जाएगी। अभी फुल तो नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ 2500 लीटर ही है, तो यहाँ पेड़ में अटक के खड़ा हुआ था, इस वाले पेड़ से ये अटका हुआ है, तो ये वर्कर भी अंधे हैं, इनको दिख नहीं रहा है यहाँ पे पेड़ है और सही से थोड़ा सा मोड़ के चला लें। तो मुझे लगा था कि पीछे की ट्रॉली पूरी फुल भर चुकी होगी हार्वेस्ट होकर, ये तो सिर्फ 2500 लीटर ही है, तो इसे तो अभी भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इस ट्रैक्टर को सीधा करके यहाँ दूसरे वर्कर को लगाता हूँ, इसलिए मेरे को बार बार वर्कर्स पर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ी करते हैं ये वहाँ पर जो है फंसा देते हैं ट्रैक्टर को या किसी मशीन को और फिर वहाँ पर अटक के खड़े रहते हैं। बाकी ये शुगर केन का खेत इतना ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे ये वर्कर बार बार ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसे तो पता नहीं कब ये शुगर केन हार्वेस्ट होने वाली है। अब मैं यहीं पे खड़ा होकर देखता हूँ इनको ना, ये सही से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इनको हटा के खुद हार्वेस्ट करूँगा। बाकी इस वाले खेत में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और बाकी जब ये वाली ट्रॉली पूरी फुल भर जाएगी तब इसे शुगर मिल में जाकर सप्लाई कर जाऊँगा। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।